हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है हमारे चैनल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में। आज हम बहुत ही खास नोटिस आप लोगों के बीच हम बताने जा रहे हैं कि बिहार पुलिस का जो वैकेंसी है अभी नया एक और आ गया है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार की तरफ से। अब ये फॉर्म को कैसे भरना है, इसका लास्ट डेट क्या है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, इसका तैयारी कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आप लोग की इस वीडियो को लास्ट लास्ट तक बताएँगे। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक करके ही जाइएगा। चलते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन की बात कर ले तो केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती जो नोटिफिकेशन निकाला है वो विज्ञापन संख्या 4/2020 करके निकाला है। हम सबसे पहले बता दें कि ये नोटिफिकेशन आप लोग बिहार सरकार की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम फिर से बता दें कि ये फॉर्म जो जारी किया गया है ये पोस्ट वनपाल के लिए, पोस्ट पद का नाम जो है ना वो वनपाल है, वनपाल पोस्ट जो है वनपाल है। अब वनपाल की पोस्ट है तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है उसको जान लेते। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो कुल पद 236 है, सभी कैटेगरी के पोस्ट मिला करके 236 दिया गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे थे आरक्षण की, तो आरक्षण की बात करें तो बिहार सरकार के नियमावली के अनुसार जो आरक्षण दिया जाता है सभी कैटेगरी को, वही आरक्षण आप लोग को दिया जाएगा इस फॉर्म में। चलते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आप लोग भारत के नागरिक होना चाहिए। भारत के नागरिक कहने का मतलब भारत के किसी भी राज्य से होना चाहिए, भारत के किसी भी राज्य से होना चाहिए। उसके बाद वनपाल पोस्ट का फॉर्म भर रहे हैं ना, तो इसके लिए आप लोग को मान्यता प्राप्त बोर्ड से या विश्वविद्यालय से आप लोग इंटर विज्ञान अथवा इसके बराबरी में पास होना जरूरी है। मतलब इंटर पास होना चाहिए और भारत के किसी भी राज्य के व्यक्ति आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी उम्र सीमा की बात करें तो उम्र की बात करें तो न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस फॉर्म को कि शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस लाइन की फॉर्म है। तो शारीरिक मापदंड की बात कर ले तो पुरुष कैंडिडेट को 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, वहीं एससी कैटेगरी का एसटी कैटेगरी का जो भी पुरुष कैंडिडेट होंगे उसका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं छाती की बात करें सीना की तो सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एसटी एससी कैंडिडेट की बात करें तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये छाती की बात कर ले, सीना की बात कर ले। वहीं महिला कैंडिडेट की बात करें तो महिला कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 14 किलोमीटर होना चाहिए। ये आप लोग को हो गया। अब हम चयन प्रक्रिया की बात करें कि आप लोग की नियुक्ति कैसे होगी, चयन कैसा होगा। तो चयन करने की प्रक्रिया 2 स्टेप में है। पहला स्टेप लिखित परीक्षा, ठीक है, और दूसरा स्टेप पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। तो पहला स्टेप हम लोग देख लेते हैं कि लिखित परीक्षा का। तो लिखित परीक्षा की बात करें तो इसमें टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, ठीक है, और 100 क्वेश्चन है तो 100 और एक क्वेश्चन है 4 नंबर का, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। यानी 400 नंबर के आप लोग को ये टोटल एग्जामिनेशन होने वाला है जिसमें 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 2 घंटा रहेगा। अब देखिए, अब 100 क्वेश्चन में अब 4 भाग दिया गया है। पहला भाग में 15 प्रश्न होंगे साइंस का, सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न, तार्किक कौशल का, और 50 प्रश्न आपके साइंस का होगा। ये सारे चीज़ मिलाकर के आप लोग को दिए जाएंगे। उसके बाद 20 प्रश्न जो होंगे हिंदी भाषा से संबंधित होंगे और 10 प्रश्न अंग्रेजी भाषा से संबंधित होंगे। मतलब ये सारे प्रोसेस आप लोग को एग्जामिनेशन का है, इसका वीडियो हम अलग से भी बताएंगे जब बिहार पुलिस का आप लोग तैयारी करना शुरू कर देंगे। एक बात और बता दें, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं बिहार पुलिस का, वनपाल का, या इससे पहले जो फॉरेस्टर का निकला है उसका, तो मेरे एक चैनल है स्टडी टेस्ट, वहाँ इस वीडियो को लिंक नीचे में हम लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाके आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे में हम लिंक इसका दे देंगे जहाँ से हम तैयारी करवा रहे हैं आप लोग को। अब हम बता दें इसका सिलेबस, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप लोग को जो इंटर लेवल है ना उसी लेवल पर रहेगा,
ठीक है। अब इसमें बता दें कि नेगेटिव मार्किंग की भी सुविधा है, अगर आप लोग एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप लोग को नेगेटिव मार्क दिया जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव की बात करें तो एक तिहाई नेगेटिव की यहाँ पे सुविधा किया गया है, अगर तीन क्वेश्चन गलत बनाते हैं तो एक मार्क कट जाया जाएगा। अब एग्जामिनेशन होगा OMR सीट पे, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा। चलिए ये सारी चीज़ हो जाने के बाद हम आप लोग को एक बार फिर से बता दें कि इसका जो फॉर्म होगा, इसका एग्जामिनेशन फ़ी भी लगेगा। तो एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लड़का के लिए 450 रुपया, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लड़का के लिए 450 रुपया, OBC के लिए भी 450 रुपया, और SC ST का जो भी कैंडिडेट है उसको 112 रुपया है। ये एग्जामिनेशन फ़ी आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने टाइम में ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सारी चीज़ इस वीडियो को बता दिए, अब हम बता दें कि इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है ना 10/9/2020 है। याद रखिएगा इस फॉर्म का लास्ट डेट 10 सितंबर 2020, कितना है, 10 सितंबर 2020, ये याद रखिएगा। इससे पहले आप लोग को फॉर्म सबमिट कर देना है। अब इस वीडियो को सारी चीज़ें बता दें इसलिए आप खुद शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।